पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं हूँ पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। दिल्ली में नारी सुरक्षा पर देशव्यापी अभियान का भव्य शुभारंभ। महिलाओं की सुरक्षा पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। कोयम्बटूर में शांति जीवन का आधार विषय पर सम्मेलन का आयोजन। आंतरिक शांति के लिए मेडिटेशन को जीवन में उतारने की सलाह। मूल्य ने शिक्षा का यलंका। दिल्ली हरिनगर और ग्वालियर में पीसीपी कक्षाओं का उद्घाटन। शिक्षा प्रभाग एवं अन्नामलाई विश्वविद्यालय की पहल। मुंबई के मुलुंड में जगन्नाथ पांच रात्र महोत्सव आयोजित। ब्रह्मा कुमारी संस्था के तरफ से भी लोगों को दिया गया ईश्वरीय संदेश। और फ्लोरिडा के तंपा शहर में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से दो दिवसीय रिट्रीट का आयोजन। हैती में भी लोगों को दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग की ओर से भारत के कई शहरों में नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। दिल्ली स्थित गांधी मेमोरियल हॉल में एक भव्य समारोह के बीच दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। अब ये गाथा सिर्फ किताबों के पन्नों में ही सिमट कर रह गई है, परंतु इसको पुनः चरितार्थ कर रही है आध्यात्मिक अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मा कुमारी संस्थान। संस्थान का महिला प्रभाग इसके प्रति लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि पूरे दुनिया भर में हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं अपने अधिकारों को सहेजने और आंतरिक शक्ति से परिपूर्ण करने के लिए अभियान और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी तरह की पहल इस प्रभाग ने पूरे देशव्यापी अभियान निकाल कर की है। दिल्ली से लेकर मुंबई और देश के विभिन्न हिस्सों में निकाला गया अभियान महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और आंतरिक सशक्तिकरण के जरिए महिलाओं में जागृति लाई जाए, इसी लक्ष्य को लेकर देश भर की महिलाओं में काफी उत्साह और उमंग भी है। इस अवसर पर ओआरसी निदेशिका बीके आशा, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की पूर्व अध्यक्षा बीना जैन, हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला, रेलवे बोर्ड टूरिज्म एंड केटरिंग के सदस्य के एल पांडे समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इसमें उपस्थित लोगों ने आध्यात्मिक जागृति से ही नारी की असली सुरक्षा होने पर जोर दिया। जब कहा जाता है कि मां सीता का अपहरण हुआ था, परंतु रावण उसका बाल भी बांका नहीं कर सका था। नारी की सुरक्षा कानून से नहीं, नारी की सुरक्षा पुलिस कर्मियों से नहीं, नारी की सुरक्षा उसकी नैतिकता में है, उसके चरित्र में है, उसके आध्यात्म बल में है, उसके मनोबल में है। वो भारत देश जहां नारी का स्वरूप दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली और अंबा के है, जिनका पूजन होता है, ना केवल इतना ही लेकिन नारी के नाम से गंगा, जमुना, सरस्वती इन सब नदियों को भी पतित पावनी कहकर जहां पुकारते हैं। एक तरफ कानून के द्वारा हम अवश्य ही फिजिकल एम्पावरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी मेंटल एम्पावरमेंट नहीं हुई है, जो कि स्पिरिचुअलिटी से ही संभव है, तब तक हम स्वयं की सुरक्षा कैसे अनुभव कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होने से ही हमारे अंदर इनर पावर्स आएंगी, एक ऐसी जागृति आएगी, सेल्फ कंट्रोल आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नारी समाज और परिवार की धुरी है, इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। आज हमारा समाज चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, और उस दौड़ में सभी आगे हैं,
या महिला है या पुरुष है या बच्चे हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा हम क्यों मांग रहे हैं? महिला तो एक जननी है जो सारे समाज को, सारे लोगों को बनाती है, जन्म देती है, और वो अपनी सुरक्षा की बात कर रही है। जीवन में इतना समय अवश्य निकालिए कि आप एक अच्छी राह की तरफ चल सकें और हम अपने समाज में एक बदलाव ला सकें। लेकिन जब तक इस समाज में हम सब का नज़रिया नारी के प्रति नहीं बदल जाएगा कि नारी सिर्फ एक भोग की वस्तु नहीं है, सिर्फ घर की गृहिणी बनकर घर को चलाना और बच्चों का लालन पालन करना ही सिर्फ उसका काम नहीं है, बल्कि इस समाज को और एक दृष्टि देने का काम, एक दिशा देने का काम भी एक नारी बेहतर तरीके से कर सकती है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का अतिथियों ने झंडी दिखाकर रवानगी दी। ब्रह्मा कुमारी कोयंबतूर सेवा केंद्र द्वारा शांति जीवन का आधार विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हुजूर रोड के आद्रा हॉल में आयोजित इस सम्मेलन का संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वी ईश्वरैया, केजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर जी भक्त वत्सलम, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके विजया समेत कई वरिष्ठ अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन से जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मनोरंजन कराया। कार्यक्रम में शहर के बड़े गणमान्य लोगों ने भाग लिया। गुजरात के बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यकर्ताओं की रैली में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। इस नारी सम्मान यात्रा में मंगलवाड़ी और अलकापुरी सेवा केंद्र के बीके बहनों और सदस्यों ने भाग लिया। यात्रा में सहभागी सेवा केंद्र के सदस्यों ने कई माध्यमों से लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। रैली के पश्चात आयोजित समारोह में वक्ताओं ने नारी सशक्तिकरण के कई पहलुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में आयोजक प्रतिनिधियों ने बीके राज और बीके डॉक्टर निरंजना को सम्मानित भी किया। मुंबई के मुलुंड में जगन्नाथ पांच रात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी आमंत्रित किया गया। श्री जगन्नाथ चेतना सेवा समिति की ओर से आयोजित इस मेले में मुलुंड सेवा केंद्र की तरफ से आध्यात्मिक स्टॉल लगाया गया। स्टॉल अवलोकन में आए लोगों को बीके भाई बहनों ने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला, साथ ही राजयोग मेडिटेशन के द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था बैंगलोर के यलंका सेवा केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित कर मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता का पीसीपी कक्षाओं की शुरुआत की गई। कुमारा पार्क सब जोन की अतिरिक्त प्रभारी बीके सरोजा, नागा अर्जुना डिग्री कॉलेज की डीन डॉक्टर एम शोभा भट्ट, नागा अर्जुना इंजीनियरिंग कॉलेज की रिटायर्ड डीन डॉक्टर के एन हरिभट्ट, डॉक्टर एम शिवमूर्ति, यलंका सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी और मूल्य शिक्षा के क्षेत्रीय संयोजक बीके सुरेंद्रन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। Just to think over, is it necessary to go for teaching these values? So about a decade back or about 25 or 50 years back, we never thought of that this day is going to come that we have to teach, we have to emphasize the values and we have to educate our children about the values. So these values are supposed to be learned by observation. कार्यक्रम में आए अतिथियों ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा दिए गए मूल्य शिक्षा का ज्ञान को अति महत्वपूर्ण बताया। साथ ही यलंका सेवा केंद्र में भी पीसीपी कक्षाओं का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। Their potential is good, they can really do well, but somehow something is coming in their way, in their background, etc. And for such cases,
having the best solution is what has been discussed till now, introducing this value addition, value-based education, maybe starting from yoga, pranayama and meditation. It's a great activity being taken up by Brahma Kumaris, awarding degrees in values and spirituality. In the process, transforming hundreds of people and putting them on the track. I'll continue this association for a long time to come, so that let us all sit together and plan what can we do for our younger generation, as it is a great challenge and responsibility of each one of us. संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आध्यात्मिक ज्ञान से मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने की अपील की। दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र पर एक कार्यक्रम के दौरान पीसीपी कक्षाओं का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला, संस्कृत विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सविता, शिमरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स की निदेशिका विमला अरोरा, फिल्म सेंटर बोर्ड के सदस्य संजय पुरी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एस के गर्ग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर पी बी मंगला, मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान के उपाध्यक्ष वी के सुंदरलाल, शिक्षा प्रभाग की वी के सुदेश ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिक्षा प्रणाली को मूल्यनिष्ठ बनाने में ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यों की सराहना की। I would like to appreciate this very, very concept of introducing spirituality, the value education in higher education. This group has really, really made a great contribution to the society by introducing this concept. बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अंकुल धोती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम कभी ना पूरी होती शिक्षा, शिक्षा पाकर बनते हम नेता अफसर शिक्षक या साधारण रक्षक, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता सर्वोपरि सम्मान। ग्वालियर के महाराजपुर सेवा केंद्र में भी पीसीपी कक्षाओं का उद्घाटन किया गया। विजय राजे राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एच एस मेहरा, एमिटी यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आर एस तोमर, प्रोफेसर डॉक्टर ए के वर्मा, वी के सुधा, वी के वी एस प्रसाद, वी के ज्योति, वी के डॉक्टर गुरुशरण ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए वरिष्ठ अतिथियों ने मूल्य शिक्षा का महत्व और आवश्यकता पर चर्चा की। निश्चित रूप से आप लोगों का जो ये कोर्स चल रहा है और इससे जो आप शिक्षा लेंगे, इससे बहुत लोगों का फायदा होगा आगे भविष्य में। और मेरी शुभकामना है कि ये जो है आप लोग इसको बढ़ाने में साथ दें। यहाँ पर सब के सब स्टूडेंट हैं, चाहे कोई 18 साल का हो और चाहे कोई 70 साल का हो। 70 साल वाला ये ना समझे कि बहुत ज्यादा एजेड हो गया हूँ, 18 वाला ये ना समझे कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि आत्मा के स्तर पर सब समान है। तो इसलिए सब यहाँ इन्फॉर्मेटिव मेंटेन रखकर की पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आप लोगों को इसी ज्ञान से दूसरों को भी ज्ञान, क्योंकि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, एमएससी, पीजी डिप्लोमा, ये सारी हायर डिग्रीज होती है। तो आज की पढ़ाई तो बहुत प्रकार की है, लेकिन सभी ये महसूस करते हैं कि वो पढ़ाई इनकम्प्लीट है, उसमें वैल्यूज का अभाव है। तो अभी हम सबके लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वयं परमात्मा पिता ने इस पढ़ाई के द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा परम शिक्षक है, तो वही सत्य ज्ञान देते हैं। गुजरात के गांधीनगर सेक्टर 28 सेवा केंद्र के द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में गुजरात स्टेट फिशरीज के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, गांधीनगर के आयुक्त पीएल दरबार, बीके तारा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सहभागियों को बीके बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराया और ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। कार्यक्रम में फिशरीज के ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद से सेवानिवृत्त हुए बीके भरत कुमार शाह को विदाई दी गई।
ब्रह्मा कुमारी यातायात एवं परिवहन प्रभाग और बड़ौदा डायरी सेवा केंद्र की ओर से रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापनगर रेलवे हॉस्पिटल में आयोजित सेमिनार में सहभागियों को आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर बीके पीवी खुरबरकर, डायरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू और बीके आमोद ने राजयोग मेडिटेशन और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में पुलिस अधिकारियों के लिए सकारात्मक व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने सहभागियों को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने और सकारात्मक व्यक्तित्व विकास करने के कई पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में शांति सरोवर प्रभारी बीके कुलदीप, इंस्पेक्टर जनरल सौम्या मिश्रा, बीके शीला समेत कई लोग उपस्थित थे। फ्लोरिडा के तंपा शहर में 2 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी फ्लोरिडा के आयोजन में हुए इस रिट्रीट में सहभागियों को सुखमय जीवन के कई पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में बीके डोरोथी और बीके रोसा ने सहभागियों को राजयोग मेडिटेशन के फायदों पर स्पष्ट किया और आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने की सलाह दी। ऐसे ही संस्था के नए सेवा केंद्र निर्माण के तैयारी के लिए बीके भाई बहनों ने कैरेबियन देश हैती अवलोकन किया। हैती पहुंचकर ओकाला सेंटर के बीके हनुमान, बीके रोनाल्ड और बीके जुलियन ने स्थानीय लोगों को ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।